अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद रऊफ और आप लोग देख रहे हैं रुफ। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एलिमेंट्री की मदद से किस तरह फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम कुछ चंद प्लगइन के रेट पता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या दूसरे प्लगइन जिनकी मदद से जो हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं, लेकिन फॉर्म ज़्यादा जो है हम लोग खूबसूरत नहीं बना सकते, ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं होते, लेकिन एलिमेंटर में ऐसा नहीं है। आप लोग अपने फॉर्म को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये फॉर्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि एलिमेंटर से बने हुए पेजेस के अंदर यूज़ होगा, उसके अलावा जो आप लोग शॉर्ट कोड की मदद से इस फॉर्म को विजेट्स में या किसी भी आप लोग पेज बिल्डर को यूज़ करें, लाइक डब्ल्यू बी बेकरी पेज बिल्डर हो गया, डीवी हो गया, अवाडा पेज बिल्डर हो गया, या किसी भी तरह का आप लोग पेज बिल्डर यूज़ करें, आप लोगों ने सिंपली इस फॉर्म का जो कोड जो है होगा आप लोगों ने उसे कॉपी करना और उधर जाकर पेस्ट कर देना है, एंड देन जो आप लोगों का पे आप लोगों का सॉरी जो फॉर्म होगा उधर एम्बेड हो जाएगा। सिंपल सी ट्रिक्स हैं, आप लोगों ने सिर्फ इन्हें फॉलो करना है। तो चलें हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम नए दोस्तों गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मेरी टिप ट्रिक्स हासिल करने के लिए। तो चलें हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को फॉर्म क्रिएट करने के रिलेटेड बताता हूँ। तो इसके लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सो इस वक्त जो है हम लोग आ चुके हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर, और यहाँ पर एक सैम्पल फॉर्म है जो मैंने आज बनाया है, और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा क्रिएटिव किस्म के फॉर्म बनाने तो आप लोगों को उसकी भी टिप्स ट्रिक्स बता दूंगा, आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो है फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले मैं इस फॉर्म को जो है फिलअप करके सेंड करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा फॉर्म काम कर रहा है या नहीं। तो ये मेरा ईमेल और मेरा नेम हो गया, मैं फ़ोन नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ट मैंने 01। ओके, और अगर मैं इस चीज़ को आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा तो मेरा ईमेल नहीं जाएगा। ये मैं सबमिट करके दिखाता हूँ, ये आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ चेक दिस बॉक्स इफ़ यू वांट टू प्रोसीड। तो मैं इसे चेक मार्क कर देता हूँ एंड देन सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सो द फॉर्म वाज सेंट सक्सेसफुली। अब हम लोग चले जाएंगे मेरे ईमेल बॉक्स के अंदर और मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। ये मेरा वेब ईमेल है, आप लोगों ने हमेशा अपने फॉर्म के पीछे जो है वेब ईमेल्स को यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप लोग जीमेल यूज़ करेंगे तो आप लोगों को तमाम जो ई मेल्स हैं वो स्पैम बॉक्स में मिलेंगे। तो मैं अब इसे ओपन करता हूँ। ये मेरा नेम मोहम्मद रऊफ, मेरा ई मेल, मेरा फ़ोन नंबर जो मैंने ऐसे डमी डाला था, ठीक है ना, और ये मेरा मैसेज और टर्म्स एंड कंडीशन ऑन, यानी कि मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके अलावा ये कंप्लीट जो और डाटा वगैरह है, डेट टाइम, ठीक है ना, पेज यूआरएल, उसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ आ जाता है, रिमोट आईपी वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो अब चलें हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों को ये फॉर्म बनाने का तरीका सिखाता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने चीप रेट के ऊपर डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी है, ठीक है ना, या प्रैक्टिस के लिए होस्टिंग परचेज करनी है, तो डोमेन रेसर डॉट कॉम ये वेबसाइट है, बहुत ही चीप रेट्स के ऊपर ये जो है आप लोगों को होस्टिंग प्रोवाइड करें। इनका जो बेसिक प्लान है, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह करनी है दैन ये आप लोगों के लिए ओके है, ठीक है ना, $1 पर मंथ से भी कम में है। और अगर जो है आप लोगों ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है या क्लाइंट वगैरह के लिए लेनी है तो सिल्वर प्लान जो है ये ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके अंदर जो है आप लोगों को अनलिमिटेड SSD स्टोरेज और आप लोग जो है 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस मिल जाते हैं आप लोगों को, ठीक हो गया ना। उसके अलावा अनलिमिटेड बैंडविड्थ, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, प्रीमियम SEO टूल्स, और इन SEO टूल्स की अगर प्राइस की बात की जाए तो $49 पर ईयर है। तो मैं आप लोगों को हमेशा इनका सिल्वर प्लान ही रेकमेंड करूंगा, आप लोग यहाँ से आकर जो है होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ये आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आप लोग यहाँ नीचे आकर देख सकते हैं। तो चलें, मैंने जो है इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप लोग होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। तो चलें हम लोग अपने काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें एक न्यू पेज क्रिएट करना है। और इसे जो है मैं नेम दे देता हूँ टेस्ट फॉर्म, ठीक हो गया, और पेज एट्रीब्यूट एलिमेंटर फुल विड्थ पब्लिश, और जो थीम है मैं इसे एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर रहा हूँ। ये फॉर्म जो है किसी भी थीम पर काम कर जाएगा जो थीम एलिमेंटर को सपोर्ट करती होगी। तो सबसे पहले जो है हमें एक सेक्शन ले लेना है, ठीक है, इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो है स्ट्रेच कर दें सबसे पहले, और अब जो हम इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज लगाएंगे। ये हमारी इमेज यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप लोग ने इमेज अपलोड करनी है तो अपलोड फाइल में जाकर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मीडिया,
देन यहाँ से जो है पोजीशन इसकी ओके है, रहने दें, कुछ नहीं करना, रिपीट को नो रिपीट और साइज कवर कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है लेआउट में वापस आना है, ये जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हाइट से हम लोग कर देते हैं फिट टू स्क्रीन, ठीक हो गया। और 9 डॉट्स पर उसके बाद क्लिक करना है, इनर सेक्शन लेना है, और इनर सेक्शन से पहले अगर हम लोग चेक करें तो हमारे यहाँ पर एक हेडिंग अवेलेबल है, वेलकम इन योगा वर्ल्ड। तो हम जो है पहले हेडिंग लगा लेते हैं अपनी, तो ये हेडिंग मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट कर दी है और इसे सेंटर करके इसकी अलाइनमेंट को मैं इसका कलर वाइट कर दूंगा। एंड देन उसके बाद जो टाइपोग्राफी में जाना है, यहाँ से जो है इसका वेट 600 कर देंगे, डन हो गया। उसके बाद हमने अपने इनर सेक्शन की सेटिंग में जाना है, देन यहाँ से जाकर ये आप लोग देख सकते हैं कॉलम गैप, नो गैप, ओके। अब जो है हमें अपने लेफ्ट वाले कॉलम के बैकग्राउंड पर ये इमेज लगानी है, तो मैं जो है अपने कॉलम की सेटिंग में जाऊँगा, स्टाइल में जाऊँगा, बैकग्राउंड में इमेज सेट कर देंगे। तो ये रही हमारी इमेज, इंसर्ट मीडिया, ठीक है। उसके बाद जो है मैं सिंपली यहाँ पर जो है स्पेसर लगा देता हूँ ताकि हमारी इमेज जो है फुल हो जाए। दोबारा से कॉलम सेटिंग में जाएंगे, साइज जो है इसको कवर करेंगे, कवर करने के बाद रिपीट में नो रिपीट, ओके हो गया। अब जो है हमें अपने फॉर्म पर काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले जो है हमें अपने इस कॉलम के बैकग्राउंड को वाइट करना होगा। ओ सॉरी, इमेज नहीं ऐड करनी, कलर चेंज करना है, ओके कलर चेंज हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये एक हेडिंग लगा रखी है, प्लीज़ फिल अप द फॉर्म। तो यहाँ पर हेडिंग एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक हो गया। सेंटर करना है इसे, सेंटर करने के बाद इसके साइज़ वगैरह को हम बाद में चेंज करें। इनको जो है मजीद कस्टमाइज करने से और इसकी स्टाइलिंग करने से पहले जो है मैं कॉलम की हाइट और विड्थ को जो है सेट कर लेता हूँ अपने इस फॉर्म के लिहाज से, ताकि जो है हम लोग इजीली अपने फॉर्म वगैरह को क्रिएट कर सकें और हमें जो बार बार इसमें चेंजिंग ना करनी पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारा ये जो कॉलम है इमेज वाला, ठीक है ना, इसके लेआउट में मैं आकर कॉलम विड्थ तो है इसकी 42 कर दूँगा और इसकी विड्थ ओके है। अब हमें क्या करना है कि इसके कॉलम सेटिंग में तो हम आ चुके हैं, एडवांस में आपने जाना है, ठीक है ना। यहाँ से जाने के बाद इसकी जो मार्जिन है वो लेफ़्ट से आप लोगों ने 100 कर देनी है, और अपने सेकंड कॉलम की सेटिंग में जाकर आप लोगों ने एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद इसकी जो मार्जिन है आप लोगों ने राइट से इसे 250 कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है अब हमें कुछ और थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करनी है, तो सबसे पहले जो है हम लोग पैडिंग को इसकी इंक्रीज़ करेंगे, 50 कर देंगे। एंड देन उसके बाद अब जो है हम अपनी ये जो हमारी हेडिंग है इसे इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कंप्लीट करेंगे। स्टाइल में आकर टाइपोग्राफी में आना है और इसका जो साइज़ है वो आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर ओके है, ठीक हो गया। अब जो है हमें फॉर्म यहाँ पर लेकर आना है और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एलिमेंटर प्रो, और एलिमेंटर प्रो मैंने आप लोगों को पहले ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ से लेबल हमें हाइड कर देना है, लेबल हाइड करने के बाद इनपुट साइज इसे जो है मैं हमेशा मीडियम यूज़ करता हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, लार्ज करें, एक्स्ट्रा लार्ज यूज़ करें, या स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल, जिस तरह आप लोगों को पसंद आए। तो मुझे इसका मीडियम साइज़ बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसलिए मैं मीडियम साइज़ को यूज़ करता हूँ। बटन सेटिंग में जाकर इसके सेंड के बजाय यहाँ पर मैं लिख दूँगा सबमिट, ठीक हो गया, ओके सबमिट। एंड देन वापस आते हैं फील्ड्स में, और यहाँ पर हमें और एक दो फील्ड्स लगानी है, चेक कर लेते हैं। हमें एक फ़ोन और एक फील्ड लगानी है, आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन। तो मैं ऐसा करता हूँ, टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड ये जो ईमेल मैंने लगाया है इसकी जगह हम लोग यहाँ पर कर देंगे नंबर, ठीक है, और इस जगह पर लिख देंगे फ़ोन। इसे कॉपी करके मैं नीचे लगा दूँगा, ओके देन ये हो गया डन। उसके बाद जो है अब हमें एक और फील्ड चाहिए इधर नीचे की तरफ, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग ये टर्म्स एंड कंडीशन का टेक्स्ट लगाएंगे। तो मैं इसी को मैसेज वाले को ही जो है इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, ठीक है ना, इसकी टाइप के अंदर, टाइप के अंदर से मैं जाकर ये देखना आप लोग एक्सेप्टेंस, इसे सिलेक्ट करूँगा, मैसेज के बजाय यहाँ पर मैं लिख दूँगा टर्म्स एंड कंडीशन,
ओके हो गया, इसे हम लोग करेंगे रिक्वायर्ड, नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस जगह पर मैं टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट में कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसके गिर्द हम लोगों ने यूज़ करना है एंकर टैग को। एंकर टैग की तो कोडिंग है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कोडिंग नहीं मिलती तो देन जो है ये आप लोगों को फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी, ठीक हो गया। ये हमने एंकर टैग लगा दिया। और अब जो है ये जिस जगह मैंने हैश लगाया इस जगह पर आप लोगों ने अपने जो आप लोगों का पेज होगा टर्म्स एंड कंडीशन का उसका लिंक कॉपी पेस्ट कर देना है। ये हो गया हमारा काम। उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं, स्टाइल में चले जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद फील्ड में जाएंगे और फील्ड का जो बॉर्डर रेडियस है उसे हम ज़ीरो कर देंगे। सेम इसी तरह बटन में जाएंगे, बॉर्डर रेडियस ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद जो है बटन के अंदर मैंने ये पिंक कलर यूज़ किया था। सिंपली मैं जो है इस कलर को कॉपी करूँगा, इसके कोड को कॉपी करने के बाद बटन सेटिंग के अंदर है इसके बैकग्राउंड के ऊपर ये कलर लगा दूंगा। डन हो गया। तो ये हमारा जो है फार्म ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब जो है अगर आप लोगों ने अपने फार्म में कुछ चेंजिंग करनी है, लाइक है बटन का स्टाइल वगैरह चेंज करना है, ठीक है ना, कंटेंट में आना है, बटन में जाएं, ये देखें बटन ये आपके एक साइड पर आ गया, सेंटर ठीक हो गया, राइट और फुल विड्थ। तो इस तरह से आप लोग अपने बटन को किसी भी तरह के स्टाइल अपने बटन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फील्ड में आकर यहाँ से जो आप लोग अपना रो गैप को इनक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें इनके रोज़ के दरमियान जो है गैप इंक्रीज हो रहा है। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट कर दूंगा। ओके बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो चलें 8 बोथ है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप लोग इसे मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहें आप लोगों पर डिपेंड करता है, जितना मर्ज़ी से आप लोग इंक्रीज़ करें। और अगर जो है आप लोगों ने अपने एक ही रो के अंदर दो यानी कि फील्ड्स लगानी हो तो करना क्या है कि अपनी ये जो आप लोगों के यहाँ पर ये फील्ड्स अवेलेबल हैं, नेम नेम के अंदर जाएं और यहाँ से कॉलम विड्थ जो है 50 कर देंगे। इसी तरह ईमेल में जाकर मैं इसे भी कर देता हूँ 50। ये देख रहे हैं एक ही रो के अंदर दो फील्ड्स आ गई हैं। इस तरह से आप लोग जो है अपने फार्म के अंदर भी ये तरीकाकार अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं इसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ओके हो गया, ये हमारा फार्म रेडी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं फार्म के रिलेटेड। ये बटन की डिज़ाइनिंग है, मैसेज बॉक्स की डिज़ाइनिंग है, ठीक हो गया। ये फील्ड्स की डिज़ाइनिंग है, यहाँ से टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में ये जो टेक्स्ट अंदर अवेलेबल है ये आ जाता है। इनका बैकग्राउंड कलर भी आप लोग इसका चेंज कर सकते हैं, अपने फील्ड्स का बॉर्डर कलर को भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यानी कि ये फॉर्म टोटली कस्टमाइजेबल, आप लोग जिस तरह मर्जी चाहें इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये काम हो गया हमारा। अब मैं आप लोगों को बता दूंगा आपने इसके बैकग्राउंड के ऊपर ईमेल किस तरह सेट करना है। कंटेंट में आना है, ठीक है ना, इसे मिनिमाइज़ करें और ये आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा ईमेल। ईमेल में आने के बाद इस जगह पर आप लोगों ने अपना ईमेल लिख देना है। ये मैंने अपना ईमेल लिख दिया और इसी को जो है मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक हो गया। अब मैं इसे कर दूंगा अपडेट और इससे पहले यहाँ पर नीचे आ जाएँ फॉर्म नेम, यहाँ पर माई वेबसाइट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मुझे ईमेल आए थे ऊपर देखना आप लोग माई वेबसाइट था। मैं इसे कर देता हूँ टेस्ट फॉर्म, ये लेना आप, डन हो गया। अब मैं इसे करता हूँ अपडेट और अब जो है हम लोग इसका मोबाइल वेरियंट चेक करेंगे। मोबाइल वेरियंट के अंदर ये हेडिंग ओके है और ये जो हमारा इमेज वाला सेक्शन था या कॉलम था इसे हम लोग मोबाइल के लिए हाइड कर देंगे और अपने दूसरे कॉलम की सेटिंग में आएंगे, ठीक हो गया। इसकी मार्जिन पैडिंग सब ख़त्म करेंगे और पैडिंग जो है उसे हम लोग 20 कर देंगे। ये लें जनाब, आपका फार्म इस जगह पर भी रेडी हो गया, ठीक है। उसके अलावा अपनी रो की सेटिंग में जाएँ, एडवांस में जाएँ, जाने के बाद जो इसकी टॉप और बॉटम पैडिंग को इनक्रीज़ कर दें 50 50, ये लें, ठीक हो गया। वो ये लें जनाब, सेकेंडों में जो है आप लोगों का मोबाइल वेरिएंट भी रेडी है। अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद जो है इसे न्यू टैब में ओपन करेंगे। ये हो गया हमारा फार्म ओपन। और इस फार्म में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है मैंने नीचे ये तीन सोशल मीडिया आइकन भी लगा रखे हैं। आप लोगों को फार्म फिलअप करने से पहले ये भी बता देता हूँ, 9 डॉट्स पर क्लिक करना है, सोशल मीडिया यहाँ पर सर्च कर लेना है। ये आगे सोशल मीडिया आइकन, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने किया था। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जो है यहाँ से सर्कल किया है और इनका जो साइज़ है वो छोटा कर दिया था, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आप लोग सोशल मीडिया आइकन भी अपने फार्म के नीचे लगा सकते हैं और इनके बैकग्राउंड के ऊपर जो है अपने सोशल मीडिया के लिंक से अटैच कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा से अपडेट करता हूँ और अपने पेज में वापस आ जाता हूँ।
एंड यहाँ पर आने के बाद ये जनाब हमारा फॉर्म रेडी है, हम लोग अपने फॉर्म को करेंगे फिलअप। ठीक हो गया, फोन नंबर में मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6। ओके, काउंटिंग गलत हो गई है, सेट कर लेते हैं 7 8 9। इसके अंदर मैं लिख दूंगा टेस्ट 0001, आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, सबमिट। ओके, फॉर्म हो गया सबमिट। अपने ईमेल बॉक्स में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे, और ये आ गया टेस्ट फॉर्म। ओपन करते हैं, मेरा नेम आ गया, ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर जो डमी मैंने डाला था, ये मैसेज आ गया टर्म्स एंड कंडीशन ऑन। ओके हो गया। तो इस तरह से जो है आप लोग एलिमेंटर की मदद से इजीली फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने इस फॉर्म को किसी और जगह पर इंटीग्रेट करवाना हो तो आप लोग वो किस तरह करवाएंगे। सिंपल तरीकाकार है, उसके लिए आप लोगों ने चल जाना अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद ये टेम्पलेट्स, एड न्यू करने में यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है सेक्शन, फिर सेक्शन, और यहाँ पर सेक्शन को नेम दे देना है क्रिएट टेम्पलेट। क्लोज करने के बाद क्या करने, तो आप लोगों ने फॉर्म बनाया था, ठीक है ना, सिंपली जो है इस फील्ड को यहाँ से कॉपी करें, इस जगह पर पेस्ट कर दें। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जो है आप लोगों ने इस कॉलम को डिलीट कर देना है, सिर्फ हमारे पे एक ही कॉलम रहना चाहिए, और इसकी जो अब हमारे पास मार्जिन और पैडिंग होने वाली है, हम लोग उसमें कुछ चेंजिंग कर लेंगे। इसे मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है, और रो के सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ से कंटेंट विड्थ ये लें, ओके, यहीं पर पब्लिश कर दूंगा। ठीक हो गया। अब जो है अब मैं आप लोगों को ये फॉर्म इंटीग्रेट करवा के दिखाता हूँ। वापस जाऊंगा अपने डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में आने के बाद टेम्पलेट्स में जाऊंगा, सेव टेम्पलेट्स, ये फॉर्म आ गया, ये शॉर्ट कोड है, कॉपी करूंगा इसे, कंट्रोल सी प्रेस करके मैंने कॉपी कर लिया है। इस जगह पर आऊंगा, मेरा जो ये फॉर्म है इसी के नीचे मैं चलने शॉर्ट कोड लगा देता हूँ, यहाँ से सर्च कर लूँगा शॉर्ट कोड। ठीक है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद पेस्ट कर दूंगा अपने शॉर्ट कोड को। तो ये लें, इससे मेरा फॉर्म आ गया। मैं ऐसा करता हूँ, जो ऊपर वाला ये मेरा फॉर्म है इसे डिलीट कर देता हूँ, नेविगेटर, और ये जो है फॉर्म हमारे पास कॉलम सेपरेटर कॉलम, ये रहा फॉर्म, इसे मैं करता हूँ डिलीट। ठीक हो गया। ये सोशल मीडिया आइकॉन्स, इन्हें भी डिलीट कर दूंगा, और हमारी जो हेडिंग है ये रही हेडिंग, इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ओप्स, सॉरी, गलत हेडिंग डिलीट कर दी है, वापस चले जाते हैं ये ना। ठीक हो गया, हेडिंग हमने डिलीट करनी है ये वाली। तो अब जो है अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो हमारे जो फॉर्म है इसकी जो अगर साइडों से हम लोग चेक करें, हाइट और विड्थ, इसकी मार्जिन और पैडिंग वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम लोग जाएंगे कॉलम सेटिंग में, 50 की बजाय मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा 0, ये लें। ठीक हो गया, सेम वही फॉर्म हमारे पास, टोटली फॉर्म वही हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। तो इसे मैंने इस जगह से इसलिए आकर 0 किया क्योंकि पहले ही जो है हम लोग अपने टेम्पलेट के अंदर ही अपने फॉर्म के जो कॉलम है उसके अंदर इसकी मार्जिन और पैडिंग डिफाइन कर चुके हैं। तो हमें अब दोबारा बार बार जो है इसकी मार्जिन और पैडिंग वगैरह हो गई, इन्हें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म रेडी है। इस तरह से आप लोग शॉर्ट कोड की मदद से अपने फॉर्म को किसी भी जगह पर एम्बेड करवा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रही होगी। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाजमी से लाइक करना है और आगे लाजमी शेयर करना है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, उनके दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।